कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी बैंक क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपना मैथ का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैथ का हमने एक मॉक टेस्ट पहले वीडियो में कर लिया है, उसके बाद में एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट भी हमने कर लिया है। तो आज सेकेंड मॉक टेस्ट हम मैथ का करने वाले हैं, वो भी किस एग्ज़ाम के लिए, वो आप तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, IBPS PO के लिए। IBPS PO के लिए यही एग्ज़ाम आपका आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। तो चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और क्वेश्चन को आप सभी भी सॉल्व करेंगे और मैं भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो ये बताओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो अब ये सीरीज दे रखी है और इसमें से ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब हमें एक चीज़ पता है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं हम। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ से स्टार्ट करें डिफरेंस निकालना इन दोनों का, फिर इन दोनों का और इन दोनों का तो डिफरेंस पता नहीं हमें। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 67, 67 प्लस 10 77, यानी 10 और 5 12 ऐड कर रखा है। यहाँ पे देखेंगे तो हम 18 और 6 24, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐड कर रखा है आपका 11 और 52, यानी 11 प्लस 52 यानी 53 प्लस 10 63। अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, 12 का, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें 12 का डिफरेंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस अगर आए, अगर हम यहाँ पे देखें तो 13 का डिफरेंस और 14 का डिफरेंस, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखते हैं हम, एक्चुअली देखो यहाँ पे 15 का डिफरेंस था, 12 का नहीं था, यहाँ पे 15 का, ठीक है, 15 का था। और 15 का डिफरेंस होते ही कितना डिफरेंस हो गया, 9 का। अब आगे हो सकता है 10 का, उसके बाद में हो सकता है 11 का डिफरेंस, अगर 10 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 34। आगे 11 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, तो 11 और 12 का डिफरेंस अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 3, नहीं ये भी नहीं होगा। बैक चलते हैं, देखो एक बारी इन दोनों का बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया। दोबारा देख, डिफरेंस दोबारा देख लेते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस है 15, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 18 और 6 24, इसका 24 डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस हमें नहीं पता, ना ही इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है। एक वैल्यू यहाँ आएगी, एक वैल्यू यहाँ आएगी और फिर एक वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है कि 9 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11, और यानी 52 प्लस 53 प्लस 10 63, ये 63 आएगा। अब 63 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कितनी कितनी वैल्यू हो सकती है, 9 के बाद में 11 हो सकता है, इन दोनों का डिफरेंस 11 फिर 13। अगर हम 11 9 13 को इसमें 24 में 11 और 13 को ऐड करें तो 3 और 4 4 8, 8 वाला तो नहीं होगा। इसका मतलब अभी और कुछ होगा, 13 का यहाँ पे 15 का होगा, 13 का 15 और 4 4 8 और 5 13, ये हो जाएगा। देखो 24 है, 24 में 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 35 35 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 5 और 3 8, 1 3 2 5, तो 58 में 15 ऐड करेंगे तो 63। 15 ऐड करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, तो 8 और 5 13, अरे यार भी 5 नहीं आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है 4 आएगा। अब देखो अब आ जाएगा हमारा आंसर 106 में, अगर हम 35 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 106 में 35 ऐड करते ही 141, अगर 141 हमारा ऑप्शन ए है, यही तो आंसर है आपका 141, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें क्या था, डबल डिफरेंस निकालना था, और डबल डिफरेंस में भी आपको वैल्यू सोचनी थी, 9 के बाद में 11 13 ऐसे करके लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ये आप सभी के सामने है क्वेश्चन।
इसमें देखते हैं क्या है। ये तो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। देखो, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 625। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना है, 28 12 4 64। ठीक है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 92 है, यानी 8 और 1 9। ये इन दोनों के डिफरेंस निकालोगे तो 1 2 ही है, 2 है, और आगे की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये 25 का स्क्वायर होता है यानी 5 की पावर 4 है। यहाँ से पता चला 2 की पावर 1 है, यहाँ से पता चला 2 की 3 की पावर 2 है, यहाँ से पता 4 की पावर 4 है। यही होता है 5 की पावर 4, 2 की पावर 1। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 4, 4 की पावर 3 है, सॉरी 4 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 1 ही होता है। तो 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड होते ही कितना आ जाएगा, 704। 704 आंसर में देखें, अगर हम 704 हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन ठीक था आपका, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया, 625 इसका डिफरेंस आ गया था, 5 की पावर 4, फिर 4 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, 1 की पावर 0 आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलो स्टार्ट करते हैं। 12 22 60। अब देखो, अगर हम इसे देखें तो हम क्या देखेंगे, 12 मल्टीप्लाई 2, 24 माइनस 2। ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ पे देखें तो 22 22 गुणा 3 मल्टीप्लाई 6, ये भी हो सकता है, गुणा 4 मल्टीप्लाई 12 माइनस 12, ये भी हो सकता है, 100। हाँ, तो ये तो मिल ही गया हमें। अब की बार मल्टीप्लाई 5 और -24, मल्टीप्लाई 5 और -24, -24 तो नहीं होगा अब की बार, 2 और 4 6 6 8। अच्छा, अब की बार -24 की जगह पे मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई तो 5 और -20, -20 कैसे, देखो 2 से 2 3 4 5, और ये तो मल्टीप्लाई तो 6 से ही होगा, तो मल्टीप्लाई 6। अब 2 के बाद 6 प्लस 4, 6 के बाद 12 प्लस 6, 12 के बाद 20 प्लस 8। अब 20 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, +10 यानी 30 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस -30, ये आएगा आपका -30। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 1 1 2 0 मल्टीप्लाई 6, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, 6 दूनी 12 यानी 72 आ जाएगा, 6 कम 6 6 7 2 0। अब 6 7 2 0 में से अगर हम 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 9 0, 6 6 9 0, यानी ऑप्शन 4 था आपका आंसर सही है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, मल्टीप्लाई फिर माइनस में था तो वो आपको ध्यान देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चलो निकालते हैं। आसानी लग रहा है देखने में तो क्वेश्चन। 9 प्लस 2 11 प्लus 5 16 और 10 तो 26 होता है, मतलब +11, नहीं पता नहीं पता, ये फाइंड आउट करना है। अब देखो, 9 में 2 ऐड कर दिया, 2 में 3, 3 में 6, दो चीज़ें हो सकती हैं,
अगर प्राइम नंबर एक छोड़ रखा है तो यहाँ पे 13 आना चाहिए। देखो अगर 2 से 3 प्राइम नंबर छोड़ दिया, उसके बाद 5 आ गया, 7 प्राइम नंबर छोड़ दिया, 11 आ गया, तो 13 छोड़ दिया, फिर 17 आ जाएगा, हाँ फिर 19 छोड़ देगा, 23 आ जाएगा, 17 और 23 होता है हमारा कितना, बिल्कुल बन गई बात, देखो बन गई बात, 17 आ गया फिर 23 आ गया। अब 17 ऐड करेंगे तो 7 और 7, 27 में 7 ऐड किया तो 34, 34 और 10 44, यानी 44 आ गया। अब उसमें 23 ऐड करेंगे तो ये आ गया, तो 44 आपका सही आंसर हो जाएगा, 44 आपका थर्ड ऑप्शन में दे रखा है तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और ये 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अब आपको उसी को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले एग्जाम में भी थी, पिछले पेपर में भी थी, देखो कैसे करना है। अब हमें 15 है यहाँ पे और यहाँ पे 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी मल्टीप्लाई तो कितनी आनी चाहिए, 60, और ये मतलब 10 और 6 आ गया, 10 और 6, अब 10 और 6 का देखो 10 आ गया और 6 आ गया, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12, यानी 12 अगर आएगा तो 6 और 2, 6 और 2, 6 और 2 दोनों प्लस के होने चाहिए, तो भी 8 होने का, और ये भी दोनों प्लस के होने चाहिए। तो ये देखो अब एक्स और वाई की वैल्यू एक तो बराबर है, इसका मतलब एक्स और वाई इक्वल भी हैं और एक्स बड़ा भी है, एक्स और वाई इक्वल भी है और एक्स बड़ा भी है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इन द गिवन क्वेश्चन टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो अभी देखो 336 है, 336 और 37x, तो 336 और 37x है, इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई होने के बाद 6 आ रहा है तो 1 और 6 हो सकता है, इसका मतलब 26 और 11, 26 और 11 तो नहीं होगा, 26 और 11 तो नहीं होगा, तो क्या होगा, 26 और 11 की बजाय 22 13, 22 और 13 हो सकता है क्या, 22 और 13, 22 22 नहीं, 24 और 13, 24 और 13 हो सकता है, 24 और 13, 24 और 13 हो सकता है, क्योंकि 24 मल्टीप्लाई में 13, 13 चौक 13 चौक 13 13 चौक 52, 13 चौबीस 3 चौक 12 होता है, तो 13 नहीं होगा, 13 माइनस करूँ तो 4 2 24, ग्यारह बाईस या फिर 21 21, अगर इसमें से माइनस होगा तो 21 के साथ में क्या आएगा, 21 में से 6 16 16 16 एकम 16, 16 32 33 आ गया, देखो 21 और 11 इसके फैक्टर बन जाएंगे, इसके फैक्टर क्या क्या बने, 21 और दूसरा फैक्टर बना 11, दूसरा बना 11, दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब देखो इसके क्या क्या फैक्टर बनेंगे, 208 है, 29 है, 208 का अगर 29 के क्या फैक्टर बनेंगे, 208 पे तो 29 को ऐसी वैल्यू में बांटें जिससे 208 बने, ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है, 21 21 21 8 64 6 8 16 और 6, ना 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 ना, 11 11 से डिवाइड हो जाएगा ये ना, 11 से 98 आएगा, नहीं होगा, 21
इससे ही नहीं होगा, 29 मल्टीप्लाई, ये तो 14 15 भी नहीं होगा ना, क्योंकि ना ना 14 15 नहीं होगा, 14 15 नहीं होगा, तो ये वाई 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 8 आनी चाहिए, तो 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 8, तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जो 9 आए और मल्टीप्लाई 8 आए, सिंपल से ही होंगे, इसका मतलब तेरह और 16 हो सकता है, सो 13 6 78 7, हाँ ठीक, 13 और 16 इसके जो आपके फैक्टर होंगे वो 13 और 16, और ये भी दोनों प्लस के ही होंगे, 13 और 2 प्लस के होंगे। अब देखो 21 से छोटा 13 है पर 11 से बड़ा है, तो वही बात आ गई क्या, कैन नॉट डिटरमाइन वाली, यानी एक्स और वाई का रिलेशनशिप कैन नॉट एस्टेब्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो 216 36 गुना में 6, 36 गुना में 6 यानी 216, 6 गुना में 36, 216 अगर आ रहा है तो 6 गुना 6 गुना 6 होता है 36 और 6 ही इसके फैक्टर बनेंगे, 36 और 6 ही बनेंगे इसके जो फैक्टर बनेंगे आपके, 36 और 6 ही बनेगा। अब 36 माइनस का होना चाहिए, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो हम 4 और 48 अगर हम देखें, अगर हम देखें इसमें तो फैक्टर हमारे क्या बन सकते हैं, 32 4 8 32 2 और 2 ही मल्टीप्लाई भी 2 और एडिशन भी 2, तो 11 21 और 11 बन सकता है, 21 और 11 एक और एक दो, दो और एक तीन, अगर 4 निकल जाएगा 4 तो निकल ही नहीं सकता ना, 11 एक तो 11 ही आएगा, 8 6 32 इसने बोला तो ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब और कुछ फैक्टर बनेगा वो देखना है कि फैक्टर क्या बनेगा। इसका फैक्टर बनाने के लिए हमें इस दोनों की मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई करवा दो इन दोनों की, इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हो जाती है तो कितना बोलेगा, 8 6 32 8 6 32 चलो तो 32 3 4 चौक 16 और 3 19 192। अब 192 में 3 6 18 अगर 3 से करते हो तो आप 3 6 18 3 किस बताए 6 से करो तो 6 3 6 3 18 6 2 12 32 तो 12 से करके देखे तो 12 1 12 12 और 20 12 और 20 होगा, 12 और 20 तो नहीं हो सकते, कोई लास्ट में 0 आनी चाहिए थी, ये भी नहीं हो सकता, 12 से 24 24 8 192 हाँ बन गया, 24 और 8 ये 24 बन गया, ये 8 बन गया। अब क्या होगा, 24 और 8 में से दोनों प्लस के हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे अब देखें तो अब ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है और ये वाली इससे छोटी है, तो बड़ी छोटी आ गई, पर ये 6 से डिवाइड भी करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस 1 और प्लस 6, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब आपको पता चलेगा कि ये 6 इससे बड़ा है, इसके बराबर है और ये इससे छोटा है, यानी ये इससे छोटा भी है ये इससे बड़ा भी है, तो हमारा आंसर वही रहेगा ऑप्शन 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम,
क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं इस टेस्ट के हमारे पास। अब आपको ये मिल गया क्वेश्चन 15 और 16 और 34। अब हमें पता है कि 15 और 16 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, तो इसमें से हम ऐसे भी कर सकते हैं, 16 को हम 8 × 8 में भी बोल सकते हैं कि 8 × 8 भी 16 होता है। ये करती है लो भाई, 16 को अगर हम बोले 8 × 8, नहीं 8 × 2 होता है 16, तो 4 × 4 बोल देते हैं, 4 × 4, और 15 को 3 × 5 तो 12 और 20 तो नहीं होगा, 16 और 15 34 नहीं होगा, 2 में बांट देते, 2 × 2। अब देखो, 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24 और 10, इसके फैक्टर बनेंगे 24 और 10, 24 और 10, और दोनों प्लस के होंगे और दोनों 16 से डिवाइड होंगे, 18 से, इसका मतलब 16 और 18 कट जाएगा तो 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24, ये तो 90 हो जाएगा, 24 × 9 240, 216 ये आया है अभी। इसके फैक्टर देखें तो 8 और 7, 8 का हम लिख देते हैं 3 2, 9 × 2, 9 × 2, 7 निम 63 और 2, इसके आ गए 63 और 2, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 को कितना इधर आ जाएगा, 8 × 16 = 24, 8 × 16, 8 × 16 = 24, 8 × 16 = 24, 2 × 8 = 48, 2 × 50, यानी ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये वाला इससे छोटा है, ये वाला इससे छोटा है, इसका मतलब इसका भी कैनो डिटरमाइन आएगा, क्योंकि एक बड़ा आ गया एक छोटा आ गया, इसीलिए कैनो डिटरमाइन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चलो करते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये थोड़ा आसान होगा, तो इसे हम करते हैं, 19 से डिवाइड करना है तो 19 से डिवाइड कर ही देते हैं, 19 × 8 = 37, 19 × 6 = 76, 19 × 3 = 57, 2 × 12, यहाँ पे 12 बच गया, 9 आ गया, 19 × 8 = 152, 19 × 7 = 133, 19 ×6 = 114, 6 × 114, 114 में 5 ऐड कर दिया, 119 = 10, 15, 19 × 8 = 152, ये टोटल इतना आ गया 168 माइनस। अब इसके बाद में एक्स परसेंटेज में है तो डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 652 ये दे रखा है, अगर ये सारा ही इक्वल टू वाला उस साइड चला जाएगा, उस साइड तो अच्छा, उस साइड भी वैल्यू हमें दे रखी है, वो है हमारी 4196, ये माइनस की है। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू भी इसी साइड आएगी तो ये वाली माइनस की हो जाएगी 6, ये और ये माइनस माइनस ऐड हो जाता है, तो ये ऐड हो गई कितनी आ जाएगी, 8 × 6 = 14 का 4 1, 9 और 7 = 16, 1 × 3 = 5 = 4, और ये वाली वैल्यू माइनस की है, अब इसी के इक्वल है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये 652 अगर हम 6 × 7 = 42, 7 पे जाएगा तो ये 7 से काट देगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 0 0 0 7 0 0 7 0 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो 62% दे रखा है, परसेंटेज से सिक्स परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 62% देखो 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 62 मल्टीप्लाई 1685, और अब एक रह गया तो ये काट दिया, अब इसे भी काट दें या फिर बाद में काटते हैं, पहले ये कर लेते हैं ना, 32 है, 32 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 7345 इज इक्वल टू 52%, यानी 52
डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 645 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसे काटने की वजह सोचते हैं। ये तो दो से काट दिया हमने इसे, तो 31 आ जाएगा। अब 31 ये 5 से काट दिया, दो से काटने के बाद 5 से 31 मल्टीप्लाई 5 दिया 15 18 5 एकम 5 5 सत्ते 35, तो 31 गुना में 317 आ गया, 31 गुना में 317। अब उसके एडिशन में इसे देखो, अगर हम इसे 25 से काट दें, 25 से तो कटेगा नहीं लग रहा है, तो 16 4 से काट देते हैं, 4 पे 25 आ गया और ये 8 आ गया। अब 25 से नहीं कटेगा तो 5 से काट लेते हैं पहले, ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 2 23 पाँचों का 20 3 34 5 छिके 30 5 पाँच 45। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद में ये 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, देखो 8 बहत्तर 7 8 छः 48 48 और 7 48 और 7 55 5 5 8 चौक 32 32 और 5 37 3 8 का 8 3 11 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 16 13 चौके 52 13 चौके 25 5 आ गया। यहाँ पे भी काट दे, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, 5 से काटेंगे तो 1 पे गया, 1 बच गया 14 14 मतलब 5 दूनी 10 5 दूनी 45 तो 13 निम्मा 13 दूनी 26 43 13 चौके 52 53 54 53 51 13 8 104 13 निम्मा 117 117 में 11 आ गए और 7 रह गया, 13 दूनी 26 27 और 10 37 3 आ गया, 13 कम 13 और 3 16 इतना आ गया मल्टीपल बाई में 5 प्लस। तो अब देखो क्या करते हैं, हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, अगर हम 5 को कॉमन लेने की बजाय ये वाला इसमें से माइनस कर देते हैं 11 तो ये देखो 31 मल्टीप्लाई 317 प्लस ये 5 ले लिया एलसीएम और 11 7 5 2 में से 11 7 5 2 में से माइनस कर दिया 1177 1677 इज इक्वल टू एक्स बच गया। अब देखो यहाँ से ये वाला मल्टीप्लाई करने के बाद अब तो क्वेश्चन आसान ही बन गया, अब तो कैलकुलेशन ही करनी है सिर्फ हमें। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट देखना चाहें तो कितना आंसर आएगा हमारा, अब 5 में से 15 12 में से 5 5 बचेगा, ठीक है ना, हाँ 12 में से 7 गया 5 बचा, ये आ गया 5। अब 4 यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 और 4 11 का 1 बचा 1 बचा 1 तो 6 और 7 13 और 1 14 का 4 1 बचा 1 और 1 2 और 1 3 1। अब 5 से काट देंगे तो 5 पे कितने पे कटेगा, तो 5 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 5 दूनी 10 34 है तो 5 छिके 30 पाँच अट्ठे 40 पाँच तीय 15 तो ये आ गया। अब इसको 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं करके देख देता हूँ मैं, 31 से मल्टीप्लाई 713 ये मल्टीप्लाई 17 दून 34 ताती 51 3 तीय 9 तो 7 2 7 2 8 9 6 2 8 3। अगर इसे ऐड कर दें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 और 3 10 1 8 2 2 सॉरी 11 11 1 14 1 15 1 9 3 12 12 410 450 आया है एक्चुअली। में देखते हैं इसका आंसर आया जी, कुछ हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक हो गई,
वरना हमारा आंसर आना था इसका 12,400 बेस्ट। तो ये आप एक बारी करके देखना, अगर नहीं होता है तो फिर बता देना, काफ़ी कैलकुलेशन है इसके अंदर, और सारी कैलकुलेशन करोगे तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना दोबारा से। अब ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देखो परसेंटेज है 15। अब परसेंटेज से क्या करो, परसेंटेज से क्या करो, ये 00 हटा दो, मतलब 2 0 हटा दो, तो क्या बन जाएगा, ये 0 15 8 120, 12 15 चौके 60 70 72, ये आ गया। इसके प्लस में इस जिससे भी क्या करो, 00 हटा दो, क्या बन जाएगा, ये 0 3 2 6 और 7 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे तो आप परसेंटेज से भी 00 हट, यहाँ पे भी हट जाएगी 48x। अब देखो यहाँ पे ऐड होने के बाद में कितना आ जाएगी, ऐड कर दो 0 6 3 9, और ये 48 से डिवाइड होते ही हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब एक बात तो पक्की है कि लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में तो 5 ही आएगा। अब देखो ऐड 48 वन जा 48, अब 93 में से 48 अगर हम माइनस करेंगे तो 44 3 43 और 2 45, यानी 45 बचेगा, उसके बाद 6, तो अब जाएगा ये 45, 10 पे नहीं जा सकता तो 9 पे जाएगा, और उसके बाद 5 195, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही करना है जैसा हम पिछले क्वेश्चन में किया था, इससे हम 00 काट देंगे तो 0 9 3 27, 2 9 6 54 और 2 56, प्लस में 48 से डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, 2 बचेगा, 28, फिर 8 भी लग जाएगा, अब 8 भी लग गया तो 7 2 8 2 56 6 पे जाएगा। अब दोनों का ऐड कर लेंगे तो कितना बचेगा, 6 7 7 5 6 7 7 5, किसका स्क्वायर होता है तो देख लेते हैं हम, 75 का, 75 का स्क्वायर होता है 56 25, ये 75 का होता है। अब ये इससे जस्ट बड़ा है यानी 76 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी DI आ गई है, इस DI के अंदर एक बार समझ लेते हैं कि पूछा क्या है, चलो मार्कअप कर लेते हैं। देखो इन द फॉलोइंग पाई चार्ट, एक फॉलोइंग पाई चार्ट के अंदर प्लेयर सोल्ड टू 5 टीम, 4 5 टीम में प्लेयर बटे हैं, इन द रिसेंट IPL ऑक्शन इज गिवन डिग्री, IPL ऑक्शन में डिग्री में दे रखे हैं, टोटल प्लेयर फॉरेन प्लस इंडियन सोल्ड टू 5 टीम 270 प्लेयर हैं टोटल, अगर डिग्री में दे रखे हैं तो डिग्री में अगर हम निकाल लेंगे वैल्यू तो निकाल भी सकते हैं, यहाँ से 270 हैं, टोटल डिग्री होती है 360 की। अब देखो 27/36 बोल सकते हैं हम इसे, और 9 से काट देंगे तो 3/4, अगर हम किसी का भी 3/4 निकाल देंगे, 40 का 3/4 कितना होगा 30, तो 30 प्लेयर हैं। अभी यहाँ पे इसका 3/4 कितना होगा, 4 से काट देंगे, 4 3 12 4 2 8 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 90 और 6 96, इसमें कितने प्लेयर होंगे 48 वाले में, 12 12 36, इसमें प्लेयर कितने होंगे 16 चौके 64 16 32 16 3 48, इसमें 80 20 60, तो ये प्लेयर की संख्या भी आ गई आपकी, एक्चुअली में 5 प्लेयर थे, 8 14 और 26, ठीक है। अब उसके बाद में ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को देखो पढ़ते हैं एक बार, एवरेज नंबर ऑफ प्लेयर सोल्ड टू DC, DC मतलब दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल के प्लेयर 96 हैं, एंड KKR टुगेदर, KKR ये रही, KKR गए हैं 36 इज व्हाट परसेंट मोर, दोनों ऐड करने हैं तो 6 और 12 96 और 400 132 प्लेयर हैं, इज व्हाट परसेंट मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ प्लेयर्स, एवरेज नंबर ऑफ प्लेयर ऑफ दिल्ली कैपिटल SRH एंड KK, अच्छा
एस आर एच के भी निकालने हैं, एस आर एच ये वाला, यानी ये वाले भी ऐड होंगे। अब देखो कितने हो जाएंगे, ये कितने हो गए थे, 132, 132 में 8 ऐड कर लिए तो 140, 180 हो जाएंगे। अब 180 का एवरेज यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 360, एवरेज 60 आ गया। तो 60 कितना ज़्यादा है ये बताना है ना, तो देखते हैं अभी। उसके बाद में मोर देन दी एवरेज नंबर ऑफ प्लेयर सी के एंड मुंबई इंडियन, ये लास्ट के दो हैं यानी 60 और 30 90, इसके 90 हैं, 60 और 30 90 यानी 45, तो 15 ज़्यादा हैं, 15 ज़्यादा हैं 45 से मल्टीप्लाई में 100। अब 15 3 45 तो 100/3 यानी 33.333, ये परसेंटेज हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 33.333 ये दे रखा, देखो ये ऑप्शन बी में, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही इन सब के परसेंटेज निकाल लेने हैं हमें, उसके बाद में सेम ये वाली डीआई हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वाली डीआई में देखो क्या दे रखा है, वो देख लेते हैं एक बारी। इस वाले में दिया गया बार ग्राफ शोज दैट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग फाइव डिफरेंट कंपनीज, पांच डिफरेंट कंपनी, एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ ईच कंपनी। और जो सेल्स डिपार्टमेंट है ईच कंपनी के, बार ग्राफ में क्या देखा है, सेल्स डिपार्टमेंट और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनीज सेल्स मार्केट और प्रोडक्शन, तीन चीज़ों के हैं, सेल्स के भी मार्केट के भी प्रोडक्शन के भी। तो 680 में से 320 तो सिर्फ सेल्स के हैं, बाकी मार्केट और प्रोडक्शन के भी होंगे। तो ऐसी आपको दे रखी है, आप अगर क्वेश्चन में देखना चाहोगे तो क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, इफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी डी 25:28, कंपनी डी के अंदर अगर आप देखोगे तो कितने 860, 25:28, पच्चीस और अठारह, ये हैं मेल और फीमेल, ये मेल हैं और ये फीमेल हैं, ठीक है, यानी 25 और 18, 33 और 10 43, तो ये टोटल कितने हो गए, 43, 43 की वैल्यू 8601 की वैल्यू 20, तो 20 20 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मैन कितने आ जाएंगे, मेल 20 से मल्टीप्लाई करते 25 दूनी 50 यानी 500, और फीमेल आपकी आ जाएंगी यहाँ पे, फीमेल भी लिख लेते हैं, फीमेल आपकी आ जाएंगी यहाँ पे 18 दूनी 36, 360, 360 फीमेल आ जाएंगी, 500 और 360। अब कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द सेल्स डिपार्टमेंट द कंपनी इज 280, सेल्स डिपार्टमेंट में फीमेल है 280, ये सेल्स डिपार्टमेंट वाली सेल्स इज 280। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टुगेदर सेम कंपनी। अब देखो कंपनी डी में 620 में से 280 फीमेल है, तो मेल कितने होंगे, 620 में से 280 अगर फीमेल है तो देखो 280 फीमेल है तो 320 40 और 340 मेल होंगे, अगर 340 मेल होंगे तो इन 340 को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, एक 340 यानी 40 60 और 160 यानी 160 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है 160 इसका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं एक बार क्या 160 दे रखा है, 160 ये रहा आपका 160 ये रहा आपका 160 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाले सारे डीआई के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ये सभी आपको ट्राई करने हैं और उसके बाद में ये वाली डीआई हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब करते हैं देखते हैं इस डीआई को भी, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी।
ये हमने मार्कअप कर लिया, और ये देखो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले स्टडी द फॉलोइंग डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन। डाटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट। मतलब डाटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है, डाटा क्या, नंबर ऑफ बॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट। देखो यहाँ पे अब बात हो रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट की इन ईच डिपार्टमेंट इन कॉलेज। तो कॉलेज मैकेनिकल में, कॉलेज के अंदर मैकेनिकल में कितने स्टूडेंट हैं, 500। ठीक है, तो कितने हैं मैकेनिकल में, 500 हैं, ये रहे। उसके बाद में है 300। अब देखो 310 20 30 40 50, यानी 300 ये कितने हैं, 320। तो 320 आपके सिविल में है, 500 यहाँ पे हैं, 300 सिविल में, 250 इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी में ये हैं 300, 300 ये वाले हो गए। उसके बाद में यहाँ पे हैं आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर में है 450, कंप्यूटर में है 450। उसके बाद में आईटी सेक्टर में हैं आपके कितने, आईटी सेक्टर में ये 410 20, 420 आपके आईटी सेक्टर में। तो ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ की देखो, सबसे पहले मैकेनिकल, मैकेनिकल में कितने थे, 500, 500 का 35%, यानी 35 × 5 कितना हो गया, 35 × 5 मल्टीप्लाई कर दो 25 × 17, तो 175 बॉयज़ हैं, 175 बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स कितनी आ गई, 5000 में से, सॉरी 500 में से 175 माइनस कर देंगे, यानी 200, यानी 325, 325 गर्ल्स आ गई। ठीक है, मैकेनिकल में। अब सिविल की बात करते हैं, सिविल ये रहे, सिविल में कितने हैं, 20% बॉयज़ हैं, और सिविल में कितने बच्चे थे, 320, 320 में से 20%, 320 का 20% होता है 64, तो 320 में से 64 बॉयज़ हैं। अब 320 में से अगर मैं 64 को माइनस कर दूं तो हमारी गर्ल्स आ जाएंगी, है ना। हाँ तो चलो करते हैं, 32 × 8 भी कर सकते हैं, या फिर 320 में से 64 को, 64 को माइनस कर दो, अगर 20 माइनस होगा तो 300, और 300 में से 40 माइनस हुआ तो 256, हमारी गर्ल्स आ गई। अब यहाँ पे तीसरे में देखो, इलेक्ट्रिकल वाले में, इलेक्ट्रिकल वाले में 15% बॉयज हैं, इलेक्ट्रिकल वाले में, यानी 25, मतलब 250 में से 15%, तो कितने हुए कर सकते हैं, देखो कितने होंगे, अच्छा, सॉरी ये थोड़ा गलती कर दिया हमने एक्चुअली में, ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, परसेंटेज ऑफ इन ईच डिपार्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ तो यहाँ दे रखे हैं, इसमें से परसेंटेज निकाल लिया हमने, ऊपर वालों में से निकाल ली, वो हमने गलत निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से निकाल ली, यहाँ से निकाल लो, यहाँ पे 13 5 जा 65 6 9 39 और 6 45, तो यहाँ पे इतने बॉयज़ हैं, 455। अगर यहाँ पे बात करें तो हम 20% का, यानी 260 बॉयज़, 260 260, यहाँ पे 15 की 13 से मल्टीप्लाई, 15 3 45, 4 15 1 15 और 4 19, तो 195। यहाँ पे 12 × 13 13 × 26, 2 13 1 13 और 2 15 156। यहाँ पे 8%, 8 13 8 104, 104 बॉयज़। यहाँ पे 10%, यानी 130 बॉयज़। तो अब ये आ गई बॉयज़ की, यहाँ से अब बॉयज़ में से गर्ल्स भी पता लग जाएंगी, बॉयज़ इतने इतने हैं तो गर्ल्स भी पता लग जाएंगी। अब गर्ल्स यहाँ पे लिख लेते हैं सबके, तो मैकेनिकल में पूरे 500 में से 455 यहाँ पे हैं, तो गर्ल्स कितनी हुई, 45। ठीक है, 320 में से 260 है तो कितनी हुई, 60। अब इलेक्ट्रिकल में देख लो, 195 हैं बॉयज़ तो कितने हुए, 55। ईसी में देखें तो ईसी में 156 हैं बॉयज़। अब 300 में से 156, यानी
144, यहाँ पे है 144 गर्ल्स। और कंप्यूटर में 104 बॉयज़ हैं, तो 450 में से 450 में से 104 बॉयज़ हैं, यानी 450 में से 104, यानी 350, 350 में से 4 गया, 346 गर्ल्स हैं। और यहाँ पे लास्ट में आईटी सेक्टर में 420 था, 420 में से 420 में से आपके कितने बॉयज हैं, 130 बॉयज हैं, 420 में से 130, यानी 300 300 290 290 गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये ऐसे सॉल्व करेंगे। अब गर्ल्स और बॉयज़ तो हमने लिख लिए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। इसमें दिया गया है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल गर्ल्स इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे, टोटल गर्ल्स को ऐड करके और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से टोटल गर्ल्स और डिवाइड बाई, लिख के बता देता हूँ, टोटल गर्ल्स डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द स्टूडेंट ऑफ ई सी एन इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट, और ये 500 फ्रॉम इच, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। जो डीआई का मेन चीज़ थी वो मैंने समझा दी, कि यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, तीनों चीज़ यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब डीआई के बाद में जो क्वेश्चन हमारे हैं वो हैं, यहाँ से स्टार्ट हैं, ये हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन। ये कौन से हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन, चलो इन्हें करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने बोला है कि द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लू एंड नंबर ऑफ रेड पेबल्स इज इतनी, इफ 12 ब्लू पेबल आर रिमूव्ड एंड 18 रेड पेबल न्यूली एडिड देन द रेशियो बिकम 2:5। अब 6 और 11 है, हम इसे 6x और 11x मान लेते हैं, ठीक है। अब 6x में से हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिए, कितने 12 ब्लू पेबल्स आर रिमूव, तो 6x में से तो हमने 12 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6x में से तो हमने 12 माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और 11x में क्या किया हमने, 18 न्यू पेबल आर न्यूली एडिड, तो 18 ऐड कर दिए। उसके बाद में जो रेशियो हमारी है वो क्या आ गई, 2:5। अब क्या ये इक्वेशन बन गई, अब इसे सोल्व कर सकते हैं। तो 5 वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 30x प्लस माइनस 60 इज इक्वल टू 22x प्लस 36। अब देखो 22 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 8x बचेगा, अब 60 इस साइड आके प्लस हो जाएगा तो 96 बचेगा। अब x 8 से 96 12 पे कट जाएगा, जो x की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 12, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ पेबल्स वर प्रेजेंट इन द बॉक्स बिफोर एडिशन एंड रिमूवल, रिमूवल और एडिशन से पहले पहले कितने थे, 11 और 6 17x, तो 17 × 12 आ जाएगा, टोटल इतने ही थे पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, 17 × 34 3, 17 × 17 और 3 20, यानी 204 आंसर। अब 204 ऑप्शन थर्ड है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये आप सभी के सामने है। ये कह रहा है कि राजीव थ्रो अ डाइस, राजीव ने एक डाइस फेंकी, एट द सेम टाइम तीन डाइस फेंकी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ द मोस्ट 3 मोस्ट 6। ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस चीज़ की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एट मोस्ट 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 आए। तो 6 कैसे कैसे आ सकता है, पहली डाइस में 1 आ जाए, दूसरी में भी 1 आ जाए, तीसरी में 4 आ जाए, एट मोस्ट 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6। तो यहाँ पे अगर डाइस में ये आ जाए तो भी 6 बनेगा, पर 6 एटमोस्ट 6, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 बनना चाहिए।
अगर ज़्यादा से ज़्यादा 6 बनना चाहिए तो कितनी सारी डाइस में एक 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 आ जाए तो भी 6 से कम है, एक एक दो आ जाए तो भी 6 से कम है, एक एक तीन आ जाए तो भी 6 से कम है, एक एक 4 आ जाए तो एक डाइस में ये 4 आ सकते हैं। अब ये यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, अब यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है। तो देखो 4 तो ये आ ही गए, पाँचवा क्या हो सकता है? 1 2 1 ये हो सकता है, छठा 1 3 1 1 4 1, तो और भी काफ़ी सारे वो बन जाएंगे आपके पेयर। 1 2 1 2 1 तो हो गया ना, 1 2 2 बन जाएगा। तो ऐसे ही कुल मिला के जो आपके पेयर बनेंगे ना, जिसमें इनका सम कितना आएगा, 6 आएगा या 6 से कम आएगा, तो वो आपके 20 पेयर बनेंगे। ठीक है, तो वो आपके 20 पेयर बनेंगे। और टोटल पेयर कितने होंगे? एक डाइस के अंदर 6 फेस होते हैं, दूसरी डाइस के अंदर भी 6 फेस, तीसरी डाइस के अंदर भी 6 फेज, यानी 6 का क्यूब 216। टोटल जो आपके वो बनेंगे ना इसमें, टोटल जो आपके एबिलिटी गेटिंग फॉर मोर 6, तो टोटल आपके 216 पेयर बनेंगे। ठीक है, 216 पेयर में से 20 पेयर ऐसे होंगे जिनका 6 या 6 से कम, यानी 6 से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही होगा। ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 4 जा, तो 5/54, तो 5/54 थर्ड ऑप्शन में ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का दे रखा है। रेशियो बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है ना, वो 5:4 है 2 साल के अंदर। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। इफ 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज 200, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखो अब तो अगर 5 है, 2 साल के बाद 5 वो हो रही है, और 1 साल में कितना हो रहा है, मतलब 2 साल में जो अपना सिंपल इंटरेस्ट 2 हो रहा है, यानी दो सिंपल इंटरेस्ट दो दो लगा है दोनों साल में। अब 2 साल में इसका भी 2 लगा होगा, इसका भी 2 लगा, अब इस पे इंटरेस्ट 1 लगा होगा, तभी तो 5 हुआ। तो 1/2 × 100, यानी 50%, 50% का क्या हुआ है आपका, इंटरेस्ट रेट है 50%। ओके, तो 50% का इंटरेस्ट रेट है। अब ये 1 ईयर, इफ 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज 200, अगर 200 सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का, तो डिफरेंस बताना है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट का 50% निकाल देंगे, 50% यानी 50/100, 00 से 00 खत्म हो जाएगी, 50 × 200, 100, तो 100 आंसर आ जाएगा। 100 आंसर आपका ऑप्शन सेकंड में ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है कि इन ए टैंक, एक टैंक के अंदर, इन ए टैंक देर आर 3 इनलेट पाइप, 3 इनलेट पाइप है। फर्स्ट 2 पाइप फिल द टैंक इन 10 मिनट, तो फर्स्ट और सेकंड पाइप मिलके 10 मिनट में टैंक को भर देती हैं। सेकंड एंड थर्ड पाइप 2 और 3 15 मिनट में भर देती हैं। ऑल्सो कैन बी फिल्ड थ्रू द फर्स्ट एंड थर्ड पाइप, पहली और तीसरी मिलके आपको बता रखा है कि 20 मिनट में टैंक को फिल कर देती है। ठीक है, अब उसके बाद में हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू फिल बाई द ऑल दी 3 इनलेट पाइप, तो तीनों पाइप के द्वारा। ये तो टाइम हो गया, अब टाइम का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 20, 10 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 6 4, तो ये क्या हो गई कि 1 घंटे में कितना टैंक भर सकता है, ये टोटल कैपेसिटी हो गई टैंक की। अब देखो 10, 15, 20 का जो आपका एलसीएम आ गया 60, अब एलसीएम को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, इतने दिन में इतना भर सकते हैं। तो 6 4 और 3, अब 6 और 4 10 और 3 13, यानी टोटल 13 13 भरेंगे। अब 60 तो टोटल है, और तीनों को मिला लिया तो 13। अब ये 13 में क्या है, एक पाइप भी 2 बार काम कर रही है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड,
थर्ड थर्ड, तो दो दो बार पाइप काम कर रही है, तो दो से डिवाइड कर दो एक एक बार के लिए। तो अब 13/2 आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, यानी फर्स्ट पाइप प्लस सेकेंड पाइप प्लस थर्ड पाइप तीनों मिलके 13/2 भरेंगी एक घंटे में। तो टोटल 60 भरना है, तो 13/2 यानी दो ऊपर चला जाएगा, तो 120/13, 120/13 कहाँ पे है, ये हो रहा, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये मिनट में है, तो यहाँ पर मिनट लिख लेना, जो फिल होगा पर मिनट में होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर सेकंड था। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि ए कार, कार ए विद 100 किलोमीटर पर आर क्रॉस ए ब्रिज इन 36 सेकेंड। तो 36 सेकेंड में एक ब्रिज पार कर लेती है एक कार जो कि 100 किलोमीटर पर आवर से चलती है, ठीक है। अनदर कार, कार बी 100 मीटर शॉर्टर क्रॉस ए एसआर शॉर्टर, जो 100 मीटर छोटी है, क्रॉस द सेम ब्रिज इन एट 36 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द सेकेंड कार टू क्रॉस द ब्रिज। तो यहाँ पे देखो, जो पहले वाली कार है उसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कितनी हो गई, 500/18, ये आ गई इसकी स्पीड, यानी मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को, इस स्पीड को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते तो डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्टेंस किसका है, क्रॉस ए ब्रिज, एक ब्रिज को क्रॉस किया है तो ब्रिज का डिस्टेंस, ब्रिज और ट्रेन दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखो, ब्रिज और ट्रेन दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा, तो कितना था, 500/18 और मल्टीप्लाई 36, मल्टीप्लाई 36 क्योंकि 36 सेकेंड है, 18 से ये 2 पे चला गया, यानी 1000 मीटर। अब देखो, ट्रेन प्लस ब्रिज, सॉरी कार, कार कार वन कार ए प्लस ब्रिज दोनों को मिला के इतनी डिस्टेंस है। अब ये कह रहा है कि एक दूसरी कार है जो कि 100 मीटर छोटी है, अगर 100 मीटर छोटी है तो ब्रिज और उस कार बी की डिस्टेंस मिला के कितनी हो जाएगी, 1000 की जगह 900 मीटर हो जाएगी। अब 900 मीटर कवर करना है, स्पीड है 36 किलोमीटर पर आर, 36 किलोमीटर पर आर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 आ जाएगा, 5 × 2 = 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी, और कवर कितना करना है, 900, तो 900/10, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 सेकंड में कवर कर लेगी, यानी ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा ध्यान देना था उससे कन्वर्ट करके वहाँ पे, और जो मेन बात आपको ध्यान रखनी थी कि वो ट्रेन और ब्रिज का डिस्टेंस है, और जिसमें से अगर ट्रेन का 100 मीटर माइनस भी हो जाएगा तो भी कार बी का और जो डिस्टेंस और उसका वो तो सेम ही रहेगा, इसीलिए। ठीक है, तो ये चीज आपकी 90 आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखते हैं क्या दे रखा है। कह रखा है रेनू कवर 15 किलोमीटर डिस्टेंस बाई ए बोट इन अपस्ट्रीम, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ दिस एंड डाउन स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू वी। टाइम टेकन बाई रेनू इज 5 आर टू कवर द टोटल डिस्टेंस, तो 5 घंटे लगे हैं टोटल कवर करने में डिस्टेंस को। तो देखो, 15 किलोमीटर था, 15 किलोमीटर जब ऊपर जाने की स्पीड थी, यानी अपस्ट्रीम की स्पीड थी, ये थी, और टोटल 5 घंटे लगे हैं, यानी नीचे आने की स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 5+v थी, ठीक है, और टोटल कितने घंटे लगे, 5 घंटे। अब ये ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ से कैसे करें देखो, अब की बार कैसे करते हैं, अगर 5 आवर लगे हैं तो इसका टाइम हो गया, डिस्टेंस इतना था, स्पीड इतनी, डिस्टेंस इतना, स्पीड इतनी, टोटल 5 आवर टेकन टू कवर द टोटल डिस्टेंस, 5 से अगर ये काट दे तो ये 3 पे कटेगा, ये भी 3 पे कटेगा, अगर ये भी 3 पे, दोनों 3 पे कटेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ही लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया इस साइड जाके, 15, ये 15 प्लस 3v,
फिफ्टीन प्लस थ्री वी प्लस फिफ्टीन माइनस थ्री वी बाई में कितना आ जाएगा। बाई की वैल्यू इक्वल टू में भी पुट कर सकते हैं। अगर इक्वल टू में पुट करेंगे माइनस थ्री वी, अच्छा इज इक्वल टू, अगर ये सारा मल्टीप्लाई हो गया उस साइड मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर में कितना हो जाएगा, यानी 25 माइनस बी स्क्वेयर यानी वी स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखोगे तो आप 3v से 3v कैंसिल हो जाएगा, अब वी स्क्वेयर इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, उसके साथ में ही वी स्क्वेयर प्लस का, और 15 और 15 यहाँ पे 30 हो गया था, अब 25 आके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब वी स्क्वेयर, अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, प्लस का 5 होगा ना, 25 25 30 25 माइनस का होगा तो 5 प्लस का बच जाएगा। अब वी स्क्वेयर यहाँ पे माइनस 5, अब वी की वैल्यू माइनस 5 माइनस 5 का रूट, माइनस 5 का रूट, इमेजिनरी वैल्यू निकालने के लिए ये वाला निकाल देंगे तो ये माइनस 5 ये आंसर आ जाएगा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। एक बार चेक कर लेते हैं, यही आंसर है ना, सही है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी स्टार्ट करो करना, यही था ना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार करके देखना, ये वाला हो गया, उसके बाद ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहे हैं कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ मार्क प्राइस देर इज ए लॉस ऑफ 10%, द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क प्राइस। देखो वो कह रहे हैं कि 10% का लॉस हो गया उसे जब हमने इतने का प्रॉफिट दिया, जब दो तीन से दो पे करके प्रॉफिट दिया तो 10% का लॉस हो गया, ठीक है। एक आर्टिकल सेल किया गया 2/3 ऑफ इस मार्क प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस कुछ भी मान लो, हम मान लेते हैं मार्क प्राइस को 30-20 मान ले, 30 और 20, ये क्या है मार्क प्राइस, ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। अगर लॉस हो गया तो ये सेलिंग प्राइस 90 की वैल्यू होगी, अगर हम 100 की वैल्यू निकाल दें तो हमारा सीपी आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो निकाल दो 0 से 0 200/9, 200/9 आ गया आपका सीपी, तो सीपी को यहाँ लिख लेते हैं हम 200/9, तो 200/9 हमारा सीपी आ गया। अब उसके बाद में वो कह रहा है कि अगर 200/9 सीपी है और हम मार्क प्राइस पे ही बेचें, अगर हम मार्क प्राइस पे बेचेंगे तो, अगर मार्क प्राइस पे बेचेंगे तो 30 पे बेचेंगे, 30 में से अगर 200/9 को हम माइनस कर दें और उसके बाई में सीपी, सीपी पे ही फ़ायदा होगा 200/9, और परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 इतना कर दे तो हमारा वो आ जाएगा ना प्रॉफिट परसेंट, जो कि इन्होंने पूछा, ये पूछा प्रॉफिट परसेंट तो निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 270, अब 270/9, 270 माइनस 200 यानी 70, ये तो 70 बचेगा। अब 9 से 9 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट गई, ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गई, ये 2 से 5 पे ये कट गया, तो 7 × 5 आ गया यानी 35%, तो 35% क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो 35 आपका आंसर थर्ड है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप सभी की स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। स्क्वायर हैज़ ए पेरीमीटर ऑफ 34 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 34 सेंटीमीटर है, ए न्यू स्क्वायर इज़ फॉर्म्ड, द साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इज 8% मोर देन द साइड ऑफ प्रीवियस वन, 8% मोर, EIGHT 8%, तो यानी 8% इसका मतलब 34 था वो 100% था, यानी 108 इतने परसेंट का अब क्या हो गई साइड हो गई प्रीवियस वन। डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर साइड ऑफ न्यू एंड ओल्ड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली,
पेरीमीटर निकालना है। अब देखो एक साइड तो इतनी हो गई और दूसरी साइड 34 है, 34 34 यानी 68, 68 से तो ऊपर ही आएगा आपका आंसर, 68 से तो ऊपर ही आएगा। ना 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 ना, पेरीमीटर दे रखा है ना कुछ, हाँ पेरीमीटर दे रखा है, थोड़ा सा देखो गलती हो गया। अब अगर पेरीमीटर है एक स्क्वायर का 34, तो 34 को चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 34 तो सारी साइड मिला के हुआ है, तो 34 को चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, चार से डिवाइड करोगे तो 4 8 32, 4 8 32, 2/4 यानी 5, 8.5। अब 8.5 यानी 8.5 तो एक साइड आ गई। अब जो रेक्टेंगल बनाया है उसकी ये मान लेते हैं हम 8.5 और ये भी 8.5। अब ये वाली हम नई वाली की निकाल लेंगे लेंथ कितनी है, तो 8 और 8.5 और 8.5 तो हो गया आपका 8 8 16 और 1 17। अब इसके प्लस में ये वाली दोनों साइड करेंगे, अब 8.5 के ये 100% था, 100% और मल्टीप्लाई में 108%। अब क्या देखो ऐसा करते हैं इसे सोल्व कर लेते हैं, 5 से 17 5 85, 18 5 90 होता है, तो 17 5 85, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, और जैसे ही ये 2 से किया तो 5 4, ये 2 से किया तो 10। अब देखो ये 17 into 54 यानी 17 चौके 68, 6 17 5 85, 85 और 6 91, यानी कितनी आ गई 9.18। और 9.18 तो एक साइड आई है ये वाली, तो ये वाली साइड भी लगाने के लिए 9.18 और भी ऐड हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, 9 दूनी 18/36, 18.36। अब 18.36 ये और 17 ये, तो 17 और 18.36 कितना आ गया 36 लास्ट में, 17 दूनी 34 और 1 35, यानी 35.36, 35.36 आपका ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो क्वेश्चन है ही नहीं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सभी अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके बारे में आपको पता चलता रहे और मॉक टेस्ट भी आपको डेली मिलते रहें। ठीक है, सबसे मेन चीज़ अभी आपको एक बात और बताता हूँ मैं, सबसे पहले तो दो तीन काम कर लो, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऊपर से वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी और सभी फ्रेंड्स को बताओ कि ये चैनल है जो बैंक वगैरह के मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। तो ये है कि आपने अगर मॉक टेस्ट यहाँ से कर लिए ना, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट दो और यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं तो उसके कॉपी पेन लेके बैठो और साथ साथ सोल्व करो, क्योंकि अगर आप सोल्व करोगे तो आपकी स्पीड दुगनी होगी। अब मेरा देखोगे तो मेरी तो एक बात है कि मैं तो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, समझ में आ गया, अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को लिखोगे, लिखोगे तो जितनी बार लिखोगे, जितनी बार लिखोगे उतना क्वेश्चन वो पक्का होता जाएगा, और एग्जाम में उसी के तो नंबर आएंगे जो बार बार इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा। ठीक है, जो बार बार इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा, इसीलिए आप सभी से ये है कि आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप कॉपी पेन लेके आएँ और उस क्वेश्चन को निकाल लें, अगर नहीं निकल रहा है फिर मेरा देखें, क्योंकि आंसर तो मिल ही जाएगा, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और कैसे सोल्व करना है आसान तरीका क्या है वो भी मिल जाएगा। तो आप लोग पहले अपना ट्राई करें फिर वीडियो में देखें, तो उससे क्या आपकी ज़्यादा वीडियो से फ़ायदा होगा और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और आपको क्वेश्चन का पता चलेगा कि नए नए टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ में, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट हमारा होगा रीजनिंग का। ठीक है, हमारा रीजनिंग का होगा। चलो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।